सीएम मोदी ने झज्जर एम्स में नवनिर्मित इंफोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन का किया उद्घाटन। बोले, 5 दशकों में हरियाणा को मिला सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री। प्रदेश सरकार के इनोवेटिव तरीकों से कई बार केंद्र भी लेता है सीख। कोरोना वैक्सीनेशन में भारत ने रचा इतिहास। देश में डोजेस का आंकड़ा 100 करोड़ के पार। वैक्सीनेशन का गीत भी किया गया लॉन्च। आरएमएल अस्पताल के कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारतीय वैज्ञानिकों को सराहा। किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती। कहा, विरोध करना किसानों का अधिकार लेकिन सड़कों को नहीं किया जा सकता ब्लॉक। किसानों ने रामलीला मैदान आने की मांगी मंजूरी। अब 7 दिसंबर को होगी सुनवाई। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने एक बार फिर कहा कि हमारी सरकार किसानों के हित में कई कदम उठा रही है। उन्होंने प्रदेश में डीएपी की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। चंडीगढ़ में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ई व्हीकल पॉलिसी पर किया मंथन। कई विभाग के अधिकारियों से लिए सुझाव। दूसरे प्रदेशों की स्टेट पॉलिसी का अध्ययन करके हरियाणा में लागू की जाएगी ई व्हीकल पॉलिसी। विधायक लीला राम ने मीडिया के सामने सुनाया दुखड़ा। बोले, कैथल में अफसर शाही है हावी। अधिकारी नहीं मानते मेरा कहना। मुख्यमंत्री से अधिकारियों की तानाशाही की करूंगा शिकायत। हरियाणा सरकार ने बढ़ाया मदद का हाथ। उत्तराखंड सरकार को 5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देगी मनोहर सरकार। प्राकृतिक आपदा के चलते उत्तराखंड में 55 से ज्यादा लोगों की हुई है मौत। दो दिन की बारिश के बाद फरीदाबाद और बल्लभगढ़ का पोल्यूशन लेवल एक बार फिर से हुआ खराब। बल्लभगढ़ में AQI 314 पर पहुंच गया तो वहीं सेक्टर 11 में AQI 310 पर पहुंच गया, जबकि वेरी पुअर श्रेणी में आता है फरीदाबाद। कैथल में डीएपी खाद के नाम पर किसानों के साथ 30 लाख की ठगी करने का बड़ा खुलासा। आरोपियों ने बिना खाद दिए ही किसानों की पासबुक में एंट्री दर्ज कर दी और सरकारी खजाने में राशि जमा न करवाकर खुद पैसे हड़प लिए। फरीदाबाद के गोचरा मोहताबाद गांव में गोली मारकर 3 लोगों की हत्या से हड़कंप। कलयुगी पति ने रंजिश में 1 व्यक्ति और 2 महिलाओं को मारा। 1 बच्चे को भी आई चोट। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।